अजमेर के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित महिला आज अजमेर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी आपबीती सुनाते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 फरवरी को महेंद्र और कैलाश उसे घर के बाहर से उठाकर ले गए और ट्रेलर में बिठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ 7 से 8 दिन तक रखा गया और बारी बारी के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दस्तयाब किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि इस घटना के दौरान दोनों ही आरोपी बलात्कारियों ने उनके बच्चे और उन्हें मारने की धमकी दी, जिसके चलते वह कुछ नहीं कर पाई। साथ लगातार गलत काम किया जाता रहा। इस मामले में थाने में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे में उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। इसके चलते आज अजमेर एसपी को इस मामले में शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए सर, मैं रात में बाहर निकली जब विदोनी में उठार ले गया और किशनगढ़ लाया, किशनगढ़ के बाद में लोग ट्रेलर में बिठार ले गया मैंने और धमकी दिया कि कोई ना कहीं बोली कोई ना कहीं करी तो तंजर तार बच्चा दोनों ने मार देला। जीव जीव मन कहीं नहीं बोले और विदोनी मेरे साथ गलत काम करा। न तो गाड़ी में नीचे उतरवा दिया नहीं की बात, न फोन पर बात करवा दिया नहीं की बात। कितना आपने 7-8 दिन तक रखा सर। फिर आप टूट गया ना सर, बांदर सिंदरी वाला पुलिस वाला पकड़ ले रहा है फिर। हाँ अभी बात में धमकाया डराया जुम्मन भी की साइड बोलनी पड़े, लेकिन अभी 21 तारीख में बयान हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी इन पे लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे। महेंद्र और कैलाश दो है सर। महेंद्र और कैलाश समा घर बाहर निकल वो मुश्किल हो रहे हो सर। कुछ आपके संग गलत काम? गलत काम हुआ सर, दोनों गलत काम करे हमारे साथ। थाना पर आप जा रही हो, कई बात क्या किया थाना जाओ सर। बयान बोले कि 21 साल तेरा 21 साल गलत काम क्यों कर रही है, इन पसारी क्यों है, इन यान क्यों कर रही है, तो सर हमारे साथ गलत कर रही हो तो गलत में भी कह रहा हूँ। यह बात है, मैं घर बाहर निकल वो मुश्किल हो रही है।